हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील सत्यार्थ और आशा करता हूं कि आप सभी इस कोरोना काल में कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और कोविड-19 के नियमों का पालन करते रहिए। लॉकडाउन में कहीं भी बेवजह जाने की जरूरत नहीं है। आप जिंदा रहेंगे तो दुनिया में जो भी करना चाहते हैं उसे फिर से कर लेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि साइनस की जो बीमारी होती है वो क्या होती है, कहाँ होती है, इसे कैसे ठीक करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साइनस नाक से संबंधित एक बीमारी है। इस बीमारी में नाक सर्दी की वजह से बंद हो जाती है, नाक में सूजन आ जाता है, चेहरे पर सूजन आने लगता है, आंखों में व चेहरे पर सिर में दर्द की समस्या होने लगती है, गले में दर्द की समस्या होने लगती है, कफ बनने की जो सीमा होती है वो आवश्यकता से अधिक होने लगती है, नाकों से बराबर पानी बहता रहता है। तो ये साइनस की प्रॉब्लम है। आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, ऑफिस में जाते हैं या कहीं भी किसी बैठक में बैठे हुए होते हैं, आपको बोलने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। बार बार आपको गहरी सांस लेनी पड़ती है। कभी कभी तो आप रात्रि में सोते समय मुंह खोल करके सोना पड़ता है, क्योंकि नाकों के द्वारा सांस लेना संभव नहीं हो पाता है। साइनस की प्रॉब्लम में कभी कभी सूजन की वजह से नाक की जो हड्डी होती है वो बड़ी हो जाती है और एलोपैथ में डॉक्टर्स इसे ऑपरेशन करके बाहर निकालते हैं, लेकिन कई बार ऑपरेशन करना पड़ जाता है कभी कभी, और कभी कभी तो यह बिल्कुल ठीक ही नहीं होता है बार बार ऑपरेशन करके निकालने के बाद भी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसका अस्थाई समाधान बताने वाले हैं कि कैसे साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, अगर आपको है साइनस की समस्या है, तो इसे जड़ से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आती रहे, तथा आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साइनस की समस्या से आप ग्रसित हैं तो आपको सर्वप्रथम योग को अपनाना पड़ेगा। बिना योग के साइनस ठीक नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर आप योग अपना लिए तो साइनस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसकी भी गारंटी है। दोस्तों, आपको करना है प्राणायाम। प्राणायाम में तीन योग आपको मुख्यतया करना होता है। पहला है कपालभाति, दूसरा है अनुलोम विलोम और तीसरा है भस्त्रिका प्राणायाम। इन योग को, तीनों योगों को अगर आप रोज आधे घंटे करते हैं तो 3 महीने के अंदर आपका जो साइनस की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च तथा 50 ग्राम खांड को पाउडर कर लीजिए और 1 चम्मच रात को दूध के साथ लीजिए। दूध को गर्म करते समय याद रखें कि उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर जरूर मिला लीजिए। इसके साथ में आप त्रिकुटा चूर्ण पाउडर का 1 ग्राम रोज शहद के साथ चाटिए। त्रिकुटा चूर्ण आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। सोंठ, पीपल व काली मिर्च को समान मात्रा में मिला लीजिए, पाउडर बना लीजिए और 1 ग्राम शहद के साथ चाटिए। साथ में लक्ष्मी विलास रस का सेवन करना न भूलें। जी, लक्ष्मी विलास रस का सेवन करिए। और क्या क्या नहीं करना है? तली भुनी चीजें न खाएं, ठंडा पानी न पिए, ठंडे भोजन का इस्तेमाल न करें, जब भी पानी पिए गर्म पिए। अगर सांस लेने में ज्यादा परेशानी हो रही है तो पतंजलि की आयुर्वेदिक इन्हेलर आती है, उसका प्रयोग करें। नाकों में लगा के सूंघें, आपको सांस लेने की समस्या में तुरंत आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।